19 अप्रैल को नवादा में वोटिंग होनी है। इस वक्त हम नवादा में हैं, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी से प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा। वहीं राजबल्लभ यादव यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर हैं, सजायाफ्ता हैं, अभी जेल में हैं। उनके परिवार को इस बार टिकट नहीं मिला है। 2014 में राजबल्लभ खुद लड़े थे, भले हार गए थे। 2019 में उनकी पत्नी लड़ी थी। इस बार उनके परिवार को टिकट राजद से नहीं मिला है, इसलिए उनके भाई विनोद यादव ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दो आरजेडी के विधायक बागी होकर समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी विधायक विभा देवी हैं जो राजबल्लभ की पत्नी है। वहीं दूसरे हैं प्रकाश वीर जो राजद विधायक हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का समर्थन कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय MLC जो राजबल्लभ के भतीजे हैं अशोक यादव, वो भी विनोद यादव के समर्थन में आ गए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, इन तमाम मसलों पर हम नवादा में आम लोगों से बात करेंगे। देखिए इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर हैं, सुबह का समय है, लोगों से बात करेंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग तो नवादा का पहला विकास हो और गरीब गुरबा का कल्याण हो। यहाँ अच्छी रोड नहीं है, एगो स्टेडियम भी नहीं है। इतना दिन हो गया है जिला बनला हुआ, 35 साल, एगो नवादा में खेल का स्टेडियम नहीं है। जितने MP जीत के जाते हैं और नवादा से गायब हो जाते हैं। वादे तो बहुत लंबे लंबे लोग करते हैं, लेकिन जब जीत जाने के बाद मिलना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ से अभी तक नवादा से एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए डायरेक्ट नहीं है। कोई बीमारी के लिए यहाँ से हम लोग कैसे जाएं? मतलब सांसद जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सब लंबा लंबा डायलॉग देते हैं। और सबसे पहली बात है कि नवादा का दुर्भाग्य है कि 3 टर्म से नवादा का बेटा MP बनता ही नहीं है। बाहरी आते हैं, जीत के चले जाते हैं, ये बना देंगे सकरी पर, वो परियोजना बना देंगे। इतना बड़ा हमारा कोल डैम है जहाँ से जल की प्रपात है, लोग छोटा कश्मीर कहते हैं। वहाँ अगर एक फैक्ट्री बन जाता तो यहाँ कम से कम 20,000 लोगों का कल्याण हो जाता। बिल्कुल, यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय एक बड़ा मुद्दा, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि 2009 से बाहरी लोग यहाँ का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बाहरी और स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है? श्रवण कुशवाहा जो है RJD वालों का, मैं नवादा का बेटा हूँ, तो मानते हैं कि बाहरी और स्थानीय एक मुद्दा है? जी, स्थानीय मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है। समस्याएँ क्या हैं यहाँ? समस्या बेरोजगारी है, विकास नवादा जिला में नहीं हुआ है और बाहरी आदमी आते हैं, लूट के चले जाते हैं, आपके पीछे मुड़ के फिर नहीं देखते। सबसे बड़ी समस्या यही है। और सबसे बड़ा चीज़ रोजगार, जो बात करेगा उसी को वोट करेंगे हम। किसको जिताइएगा ये सब मुझे नहीं जानना है, ये बताइए 19 को वोटिंग है, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? हमारा तो अपेक्षा है शहर की, जो घर का बेटा को जिताएंगे तो नवादा जिले में काम होगा। और जितने जो आज तक MP आए हैं, लूट खसोट के लहगा के बहका के जाते हैं, नवादा जिला जीतते हैं, हाजीपुर विकास करते हैं, पटना विकास करते हैं, बेगूसराय विकास करते हैं। इसलिए मेरा घर का बेटा जो होगा MP, वो नवादा जिला का विकास। स्थानीय लोग जो होंगे आप? हम कैलाश यादव, 1 प्लस। अच्छा, ये बताइए यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? काम नहीं हुआ? समस्याएं तो यह है कि धन जन योजना में गरीबों को, सबों को कहा था कि 15 लाख देंगे, आज तक 15 पैसा नहीं मिला है। और जनता को बेकूफ़ बना बना के हम यह करेंगे वह करेंगे, लाखों बार झूठ बोलते हैं, ये काम भूख पूरा नहीं करते। मोदी जी का कहना है कि जनधन में 15 लाख रुपया देंगे, आज तक गरीबों अमीरों किसी को 15 पैसा नहीं दिया है। ये सारमसार लाखों बार झूठ बोलते हैं। हमारे नवादा जिला का बेकार बेटा बेकार होकर रह गया और बाहरी लोग आके लूट के चल जाते हैं। कल वोटिंग है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट डालेंगे, क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे बड़ा बेरोजगारी है, महंगाई है। मोदी जी आते हैं, डिश देट देते हैं, चल जाते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार हम लोग इसको जिताना, ये नहीं बताइए आप लोग की क्या अपेक्षाएँ हैं? अपेक्षाएँ कि नवादा का लोकल यहाँ MP बने और विकास हो, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, यही अपेक्षा हम लोग। स्थानीय बनाम बाहरी एक मुद्दा है। वैसे गुंजन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के गायक हैं, वो भी अपने आप को स्थानीय बता रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। श्रवण कुशवाहा RJD के उम्मीदवार हैं, वो भी अपने आप को स्थानीय बता रहे हैं। राजबल्लभ के भाई विनोद यादव जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी खुद को नवादा का बेटा बता रहे हैं। जी, मतलब बाहरी लोग जो 2009 से जीत रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं? काम नहीं, बस आते हाथ दिखा के चल जाते हैं।
कोई काम नहीं होता। मोदी जी जिनको चाहते भेज देते हैं, बीजेपी के नाम पर जीत के, कोई देखने नहीं आता है मुड़ के क्या विकास हो रहा नहीं हो रहा। बहुत स्थिति दयनीय है नवादा का विकास के नाम पर। जी जी, अच्छा युवाओं से बात करेंगे, आप लोग युवा हैं, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? हम लोग का मुद्दा यही सर है सर कि जो रोजगार बहुत बढ़ गया आगे, हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं आगे। तेजस्वी जो है रोजगार देने का काम किए थे डिप्टी सीएम जब थे, तब कहा जाता है 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, रोजगार दिए हैं, बीपीएससी टीचर दिए हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल वोटिंग है, वोट करेंगे ना? जी सर। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मुद्दा तो विकास का होगा, विकास होगा और बेरोजगारी का मुद्दा होगा। जो काम करेगा उनको वोट मिलेगा। अच्छा, जो काम करेगा। जी सर। जी बताइए। लोकल बनाम बाहरी का जबरदस्त मुद्दा रहेगा। आप विकास और रोजगार, रोजी रोजगार चाहिए, स्पष्ट बात है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं? कोई त्रिकोणीय नहीं है। अच्छा। और भी भाई साहब है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कल आप लोग वोट करने वाले? मुद्दा तो सबका विकास ही होता है। मतलब यहाँ के जो सांसद रहे पहले, उन लोगों ने विकास ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। जिनको करा है सब, बिल्कुल नहीं किया। मतलब 90% 95% लोग तो चिंता ही नहीं है कि क्या। आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि लोग वोट ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते? आते ही नहीं तो काम करना तो दूर की चीज है, आते ही नहीं है। और भी हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो लोग वोट कर रहे हैं। विशाल से कहेंगे, कैमरा पर्सन से, थोड़ा इधर आइए भाई साहब। कल वोटिंग होनी है, किन मुद्दों? मैं यहाँ के नहीं हूँ सर। आप यहाँ के नहीं है? कल वोटिंग होनी है चाचा, क्या लग रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? पब्लिक तो कह रही है कि सांसद आते हैं यहाँ पर जीत के एक दो बार, उसके बाद वापस लौट के आते ही नहीं है, सो काम ही नहीं होता, हम लोग से वोट ले लिया जाता है। पब्लिक कह रही कि हम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ना, ऐसा बात तो नहीं है। अच्छा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आपकी क्या समस्याएँ हैं यहाँ पे? क्या नरेंद्र मोदी और क्या कमल छाप, किसको वोट दीजिएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं, ये हमको मत बताइए कि आप किसको वोट दीजिएगा, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, क्या ऐसा काम है जो नहीं हो पाया वर्षों में यहाँ पर? नहीं, काम तो ठीक हो रहा है। हाँ, काम तो ठीक। अच्छा, क्या लग रहा है कल वोटिंग, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि लोकल पर अभी ज़्यादा फोकस है, स्थानीय एमपी होना चाहिए और देश में परिवर्तन चाहिए। कोई आदमी ज़्यादा दिन सत्ता में रहता है तो वह डिक्टेटरशिप हो जाता है, और इस देश के लिए हम देखते हैं कि कमज़ोर वर्ग का जो है, कमज़ोर सरकार रहता है तो उसको लाभ होता है, ताकतवर सरकार होता है तो ताकतवर उसके लाभ होता है, गरीब और कमज़ोर का नहीं होता है। अच्छा, पब्लिक कह रही कि हम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, सो वादे तो बहुत किए जाते हैं, वोट ले लिया जाता है, लेकिन जो जीतते हैं वो लोग यहाँ काम नहीं करते? नहीं, काम नहीं करते हैं, यहाँ रहवेन करते हैं, सांसद आते हैं चले जाते हैं, वैसा काम नहीं होता हो पाता है। इस बार वोट से चोट देना है? हाँ, तो परिवर्तन होगा इन साल। अच्छा, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहीं के हैं? हाँ, बिल्कुल लोकल हैं। कल वोटिंग है, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं, बड़ी समस्या ये है, जाम की समस्या है, नवादा में ओवर ब्रिज नहीं है बिल्कुल, रेलवे फाटक बहुत है, रेलवे फाटक इतना है कि एक एक दो दो घंटा तो ऐसे ही जाम में फंस जाइएगा, बड़ी समस्या है ये। और ये है कि यहाँ पर कोई बच्चों के लिए पार्क नहीं है, शहर बड़ा है मगर कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ट्रैफिक की सुविधा नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट जीतता है तो सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, भाई इस पे विचार कीजिए। तो देखिए, नवादा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, इन तमाम मसलों पर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News, नवादा।